राज को करन मन करो महान यह कार आत्मज्ञान के प्राप्ति है मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावे भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं।
चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूते होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही यथार्थ पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। गुरु ने इशारा किया था और शिष्य ने आंख खोल करके देखा। गुरु का इशारा और उस इशारे को देखना ये पुरुषार्थ नहीं है। इशारा जिसकी ओर किया गया उसे देखना यह पुरुषार्थ है। गुरु का इशारा वह तो वाणी है, वह जड़ है, वह पुद्गल है, मगर वह जड़ वाणी भी जिसको निर्देश करती है यह चैतन्य तत्व अरूपी और उस चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि गई कि यथार्थ पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ। आज तक जो सुना था वो सुना हुआ सत्य श्रद्धान में स्थापित हुआ। जो सुना था वह अनुभव में आया कि यथार्थ श्रद्धा हुई। सिर्फ कानों का विषय न बना रहा, अनुभव का विषय बना। प्रारंभ में यह श्रद्धा नहीं होती थी कि ऐसा भी स्वरूप हो सकता है। अंदर से ऐसा उल्लास नहीं उठता था कि ऐसा यह स्वरूप हो सकता है। जब पूज्य गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी और परम कृपालु देव ये कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, तुम स्वयं बुद्ध हो, तब यह श्रद्धा नहीं हुई थी कि यह मेरे बारे में ही कहा जा रहा है, ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, और ऐसी यहां अंतर की स्पर्शना नहीं हुई थी। और जब तक स्पर्शना नहीं हुई थी तब तक अहोभाव न आएगा। श्रद्धा हुई कि यही मैं हूं, कि अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में स्थापित हुए। क्योंकि जिस समय आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई कि भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध अधूरा आधा किंचित अल्प ऐसा शुद्ध अनुभव में नहीं आया। जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई यह स्वरूप आत्मा की श्रद्धा में स्थापित हुआ कि मैं परिपूर्ण शुद्ध और परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप यह श्रद्धा में स्थापित होते ही अनंत सिद्ध परमात्माओं के संबंध में जो आशंका थी कि सिद्ध परमात्मा है या नहीं, ऐसा कोई परमात्मा है या नहीं जो पूर्ण शुद्धता को उपलब्ध हुआ हो, जिस समय यहां आत्मा की अनुभूति हुई पूर्ण शुद्धता श्रद्धा में स्थापित हुई कि अनंत सिद्ध परमात्मा की पूर्ण शुद्धता भी श्रद्धा में स्थापित हुई। और इसलिए ये कहा कि जिस समय आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है उसी समय अनंत सिद्ध परमात्मा की श्रद्धा होती है। इस अनुभूति के बल पर अपने आत्मा की श्रद्धा को निश्चय सम्यक दर्शन कहा और अनंत सिद्ध परमात्मा की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। निश्चय प्रकट हुआ कि व्यवहार प्रकट हुआ। इसलिए यहां पर चोर मैं चैतन्य तत्व परिपूर्ण शुद्ध हूं। गुरु ने यह कहा और शिष्य ने यह सुना, मगर यह सुनने मात्र तक ही सीमित रहा, वरना वो अनंत शक्ति तुम्हारी पर्याय में प्रत्येक प्रदेशों पर प्रत्येक अंग पर सर्वांग उछलती और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुए बिना नहीं रहता। जब तुम सुनते हो कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, तब सुनने और अनुभव के बीच में एक फासला बना रहता है। उस फासले को कैसे दूर किया जाए उसके संबंध में मैं तुमसे कुछ कह सकूं।
ये भरोसा नहीं बैठता, ये श्रद्धा नहीं होती कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। उस प्रकार के संस्कार जो अंतर में दृढ़ हो चुके, जैसे किसी तोते को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, और वह तोता पहले कभी उड़ता था, उस तोते को पिंजरे में बंद किया और फिर उसका मालिक उस पिंजरे को खोल दे। कुछ दिनों तक वो तोता पिंजरे में बंद रहा है और पिंजरे को खोले, खोलने के बावजूद भी वो तोता उड़ता नहीं है, वो वहीं पर ही है। वो इस बात को भूल ही चुका कि मैं कभी उड़ता था आकाश में, मैं आकाश में उड़ने वाला पंछी हूं। मगर उसकी अंतर में ऐसी धारणा दृढ़ हो गई कि मैं तो पिंजरे के लिए हूं। पिंजरा बिल्कुल खुला है मगर वो तोता पिंजरे के बाहर निकलता नहीं है। पिंजरे के बाहर निकलना, ये उसे अंदर से भरोसा ही नहीं बैठता। कभी वो आकाश में उड़ा था ऐसा वह तोता, कभी उसने आसमान की यात्रा की थी, कभी उसने पंख फैलाए थे, मगर आज वो सिमट करके बैठ गया। वह तोता वो विचार भी नहीं कर सकता कि मैं आकाश में उड़ सकता हूं। पिंजरा बिल्कुल खुला है मगर वो तोता उड़ता नहीं। जो तोता कभी आसमान में उड़ चुका था वह भी कुछ दिन तक बंधा हुआ रहा, तो उड़ने की वो श्रद्धा, उड़ने का आत्मविश्वास वो खो देता है, उसे भरोसा नहीं होता मैं उड़ सकता हूं। जिसने कभी आसमान की सफर की, ऐसा तोता जब भूल जाता है तब उस जीव के बारे में सोचो जिसने कभी चैतन्य के गगन की यात्रा ही नहीं की, जो कभी आसमान में उड़ा ही नहीं, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, जिसने कभी आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त ही नहीं किया, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि, जिसने कभी यह अनुभव ही नहीं किया कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि। उस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को जब कोई सद्गुरु कहे कि तुम परमात्मा हो, बहुत मुश्किल होगा श्रद्धा होना, विश्वास होना, आत्मविश्वास होना, अंतर से भरोसा बैठना कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। यात्रा प्रारंभ हो, ये सुना, अनुभूति से ही यात्रा प्रारंभ होती है, वरना मैं शरीर हूं, मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर हूं। जंजीरों से किसी को बंधा हो ऐसा व्यक्ति, उसकी जंजीर खोल दो, थोड़ी देर तो हाथ हिलते भी नहीं है, ऐसा बांध करके रख दिया था कि हाथ ही नहीं हिलते, ऐसा हाथ कैसे हिले। ऐसी ही भव भव की, अनंत भवों की ये झूठी मान्यता, ये मिथ्या मान्यता कि मैं शरीर हूं। और गुरु जब कहे कि तुम परमात्मा हो, ये श्रद्धा नहीं होती। वहां से कुछ करने से होती, गुरु की ओर से कुछ करने से श्रद्धा होती तो सभी को हो जाती। गुरु के करने से कुछ भी नहीं होता, गुरु सिर्फ ज्ञान देता है, वह बोध देता है, उपदेश देता है, वह श्रद्धा तैयार नहीं करता। और जब तक श्रद्धा प्रकट नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। इसलिए तो मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शन को इतनी प्रधानता दी कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र शून्य है। ऐसा सम्यक दर्शन चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के काल में प्रकट होता है। सम्यक दर्शन पर जोर दिया और ये कहा कि सम्यक दर्शन से मार्ग की शुरुआत होती है, यात्रा की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, आत्म दर्शन से मोक्ष के मार्ग का आरंभ होता है। गुरु सिर्फ ज्ञान देता है और कुछ भी नहीं, और इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें आज तुम्हारा 132वां बोधामृत परोसता।
गुरुदेव ज्ञान देते हैं, श्रद्धा नहीं, तत्व की श्रद्धा नहीं होना। गुरुदेव ज्ञान आपे छे, श्रद्धा नहीं, तत्वनी श्रद्धा नहीं थचे। ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है, व्यवहार से हम ऐसा कहते हैं, मगर श्रद्धा का आदान प्रदान भी नहीं हो सकता। ज्ञान दिया जा सकता है, आपने ऐसा सुना होगा, एक और है धन और दूसरी और है ज्ञान। तो धन, जिस धन को कोई चोर चोरी करके जा सकता है, लूट सकता है, और ज्ञान के बारे में कहते हैं ज्ञान ऐसा वैभव है, ऐसी संपत्ति है, ऐसी लक्ष्मी है कि ज्ञान की लक्ष्मी को कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान को कोई चोरी करके ले नहीं जा सकता, मगर इतना है कि गुरु के ज्ञान को कोई चुरा कर ले नहीं जा सकता, मगर गुरु ज्ञान देना चाहे तो ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, शास्त्र लिखते हैं, उपदेश देते हैं। ज्ञान चुराया नहीं जा सकता, मगर ज्ञान दिया तो जा सकता है। ज्ञान दिया जा सकता है, ये व्यवहारिक कथन है कि ज्ञान दिया जा सकता है। तीर्थंकर भगवान ने वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दिया, हमें ज्ञान दिया, समोसरण में ज्ञान दिया। ज्ञान ज्ञान तीर्थंकर भगवान ने दिया, मगर श्रद्धा नहीं दे सके। एक साधारण विद्वान जो थोड़ा बहुत शास्त्रों को पढ़ करके थोड़ा बहुत सीख चुका है, ऐसा विद्वान प्रवचन करना प्रारंभ कर दे और वही समयसार में जो लिखा है वो दूसरों को सुनाना प्रारंभ कर दे, वही जो प्रवचन सार में लिखा है वह दूसरों को सुनाना प्रारंभ कर दे, अज्ञानी विद्वान भी दूसरे ज्ञान देता है। दूसरे को ज्ञान देता है। एक और है साधारण विद्वान, थोड़ा बहुत सीख करके दूसरे को ज्ञान देता है, और दूसरी ओर तीर्थंकर परमात्मा दूसरे को श्रद्धा देने में असमर्थ है। समोसरण में जाते हैं अनेकानेक जीव, मगर सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते। यदि सभी सम्यक दृष्टि होते तो हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि हम भी तो भूतकाल में समोसरण में जा चुके हैं। भगवान ने ज्ञान दिया, हमने सुना, हमने जाना, मगर वो जो जाना उस पर श्रद्धा नहीं हुई, कहीं शंका का सर्प वहां डंसता रहा और इसी कारण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए ये जो बोधामृत की रचना हुई कि गुरुदेव ज्ञान देते हैं, श्रद्धा नहीं, तत्व की श्रद्धा नहीं होना। श्रद्धा अंतर से प्रकट होती है पर बाहर से नहीं आती। सुनने का जो कार्य हुआ वो तो बोलने में हम ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव ने हमें उपदेश दिया, हमने सुना, बोलने वाला कोई बाहर था, ज्ञान देने वाला कोई बाहर था, मगर जब हम सुनते हैं तब सुनते 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 अंतर से श्रद्धा तैयार होती है, श्रद्धा प्रकट होती है। जो श्रद्धा अंतर से प्रकट होती है उसका स्वरूप कैसा है उसके बारे में मैं आपसे कहूँ, क्योंकि जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है उस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति में यह श्रद्धा क्या कार्य करती है कि जो भी ज्ञान में सुना, ज्ञान का जो कार्य है वो मात्र जानना 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 है, और श्रद्धा का कार्य मानना है। ज्ञान में जो जानने में आया,
श्रद्धा उसे मानती, ज्ञान में जो जानने में आया उसे श्रद्धा मानती है। उसका भाव थोड़ा समझे कि ये शरीर के परमाणु अभी ये जो जानने में आ रहा है, श्रद्धा ने ये माना कि ये मैं हूं। ज्ञान में जो जानने में आया श्रद्धा ने माना कि यही मैं हूं। फिर इस शरीर में से आत्मा अब दूसरे शरीर में गया, दूसरे शरीर में गया और दूसरा शरीर, अब ये शरीर जानने में नहीं आ रहा है कि कहां पड़ा है ये मुर्दा, अब दूसरा शरीर जानने में आया। जो भी जानने में आता है उसमें अज्ञानी का एकत्व होता है कि यही मैं। जिस देह में अज्ञानी प्रवेश करता है उस देह के परमाणु, फिर पुराना देह जो था वो छूट गया, उस देह के बारे में कुछ भी पता नहीं। पर इसलिए तो अगले भव में जन्म लेने के बाद में इस देह के पास में लाया जाए तो इस देह में कुछ कोई अपनापन नहीं होता है, क्योंकि अपनापन जो था वो अपनापन था कि ये ज्ञान में ये देह जानने में आता है और ये मानता है कि यही मैं। गुरु ज्ञान देते हैं श्रद्धा ने, श्रद्धा तत्व विचार से होती है, इसलिए कहा कि तत्व की श्रद्धा नहीं होना, तत्व विचार से श्रद्धा होती है। श्रद्धा वस्तु स्वरूप ऐसा ही है क्योंकि मेरा यह स्वयं का अनुभव है, मेरा यह स्वयं का अनुभव है। कृपालु देव ने यह कहा है, पूज्य गुरुदेव श्री ने यह कहा है, इसलिए यह सत्य नहीं। ये जो मिलान होता है वो स्वयं के अनुभव से मिलान होता है, स्वयं के अनुभव से। जैसे कि मैं चैतन्य तत्व शुद्ध हूं, ये शुद्ध हूं, ये जो श्रद्धा है ये श्रद्धा, कृपालु देव ने कहा कि मैं शुद्ध हूं, इस कारण से वो नहीं मानता। सम्यक दृष्टि जीव इसलिए नहीं मानता कि गुरुदेव ने कहा है इसलिए मैं मानू, मगर जब वो कहा उसका फिर विचार हुआ, विचार हुआ। देह में नहीं हो क्योंकि देह के परमाणु में कहीं पर भी चैतन्यपना व्याप्त नहीं है। राग का विकल्प मैं नहीं हूं क्योंकि राग के विकल्प में चैतन्यपना व्याप्त नहीं है। ये श्रद्धा ऐसी हो कि स्वयं के तत्व विचार से ही, स्वयं के तत्व विचार से ये श्रद्धा दृढ़ होती है। श्रद्धा सम्यक रूप परिणमित होती है, उसके लिए एक समय में ये श्रद्धा सम्यक रूप परिणमित होती है। श्रद्धा होने में देर नहीं लगती, ऐसा नहीं होता कि पहले थोड़ी श्रद्धा, बाद में ज्यादा श्रद्धा, बाद में थोड़ी और ज्यादा श्रद्धा, ऐसा नहीं। श्रद्धा तो श्रद्धा है, इसलिए थोड़ा अपनापन आज हुआ, थोड़ा अपनापन कल होगा, थोड़ा अपनापन परसों होगा, ऐसे आत्मा में अपनापन क्रम से नहीं होगा। जिस समय पूर्ण शुद्ध स्वरूप ज्ञान में जानने में आया और श्रद्धा ने कहा यही मैं, इसलिए मैं सदा कहता हूं कि ज्ञान की अदालत में तुम श्रद्धा को खड़ी करो और ये पूछो कि वो किसकी और है, श्रद्धा उत्तर देगी कि अभी वह किसकी और है। वो निर्णय वो जो जानने में आएगा वो ज्ञान में ही जानने में आएगा कि श्रद्धा किस और है। श्रद्धा ये नहीं जानती कि वो किस और है, श्रद्धा किस और है ये जानने का कार्य भी ज्ञान में ही होता है। और ज्ञान में जहां ये कार्य होता है कि श्रद्धा किसकी और है, उस ज्ञान ने जानने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया, वो मानता नहीं है, वो कहीं एकत्व करता नहीं है। ज्ञान का कार्य है कि कहीं एकत्व न करे, उसका एक स्वतंत्र न्यारा स्वरूप है, वो मात्र जाने जाने जाने।
और श्रद्धा का स्वरूप है कि वो उस पर मोहर लगाए। सहयोगी व्यक्ति जो चेक लिखता है, नाम लिख दिया, तारीख लिख दी, सब कुछ लिख दिया, मगर उसे अधिकार नहीं कि वह हस्ताक्षर कर दे। हस्ताक्षर तो मालिक के ही होंगे, हस्ताक्षर करने वाला कोई और चेक लिखने वाला कोई और। श्रद्धा का कार्य है मोहर लगाने का, और ज्ञान का कार्य है ये सब लिखने का, पढ़ने का, ये सब विचार करने का, ये सब कार्य ज्ञान का है। अंतर में ही ये दोनों कार्य होते हैं, मगर दोनों गुणों का स्वतंत्र परिणमन है। ऐसे ही अनंत गुण आत्मा में है और अनंत गुणों का स्वतंत्र परिणमन है। मगर जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, गुरु के मुख से ये सुना कि निर्विकल्प अनुभूति आत्मानुभूति में अनंत गुणों के भेद का विकल्प नहीं, अनंत गुणों के भेद का विकल्प नहीं, और तभी वो भेद के विकल्प से मुक्त होकर एक अभेद होकर के वह अनुभव करता है। क्योंकि ये जानता है कि भेद के लक्ष्य से दुखी होगा, भेद के लक्ष्य से दुख होगा, फिर वहां भेद का विकल्प छोड़ता है। उसके फल में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, गुरु के मुख से अभी सुना। जैसे भारत की सरकार का है कि हम दिल्ली में 5 एकड़ जमीन जैनों को देने के लिए तैयार है। अब जैन को जैन का, श्वेतांबर जैन नहीं कहा, दिगंबर जैन नहीं कहा। अब कोई पहुंच जाए कि मैं श्वेतांबर जैन हूं, नहीं, हम आपको नहीं देंगे, हमने तो जैन को देने के लिए कहा। दिगंबर जैन पहुंच जाए कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, आप तो दिगंबर जैन होकर के आए हो, हमें तो ये जैन को देनी है, बस समस्त जैनों को देनी है। अब ये सब है भेद, क्योंकि सबके अपनी अपनी मान्यता है, मगर सबने मिलकर के निर्णय किया कि ये भले कितने भी भेद हो, अभी हम अभेद हो जाते हैं, क्योंकि अभेद होकर के यदि सरकार के पास जाए तो इतनी बड़ी जमीन हमें मिल सकती है। तो भेद होने पर भी वहां भेद भूल जाते हैं कि छोड़ो इन भेदों को, वो जमीन मिलेगी, जमीन मिलेगी। भेद को अब भूलो, अब भूलना होगा, मगर भेद को भूलने से क्या मिलता है उसे वो पता चला कि वो भेद को भूलने को तैयार हुआ। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, आत्मा में श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, ये अनंत गुण आत्मा में है। मगर जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र ऐसा भेद नहीं, तब मैं भगवान आत्मा हूं, तब भेदों को लेकर के अनुभूति की यात्रा नहीं करता। निर्विकल्प अनुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है, तब भेदों की ओर ध्यान नहीं होता। अंतर में कार्य सबका अपना अपना होता है। श्वेतांबर भी गया है तो अपने पैर से चल करके, वो अपना काम करते हुए, दिगंबर भी गया तो वो भी अपने पैरों से चल करके, सब अपने अपने पैरों से चल करके कार्य सब अपना अपना कर रहे हैं, मगर श्वेतंबर होकर नहीं, दिगंबर होकर नहीं, जैन होकर के वहां पहुंचे। तो अनंत गुणों का कार्य तो होगा, वो अपना अपना होगा, ज्ञान का कार्य अपना होगा, श्रद्धा का कार्य अपना होगा, मगर जिस समय उपयोग स्थित होगा, वह स्थिर उपयोग में एक अभेद द्रव्य होगा। यह भगवान आत्मा, यही मैं। एक समय के लिए वहां पर गुणों के भेद नहीं होंगे, ऐसा नहीं, गुणों के भेद तो होंगे, मगर गुणों के भेद का विकल्प नहीं होगा। जब पहुंचे तो सभी की सरनेम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, सबके अंतर में भी ये भेद तो पड़ा है, मगर वहां जब है तब तो वहां सब एक होकर के वहां बैठे। ऐसे ही प्रत्येक गुण अपने अपने में है, प्रत्येक गुण अपने अपने में, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, अपना अपना परिणमन करता है। यदि एक ही है तो ज्ञान ही श्रद्धा का कार्य कर ले, फिर श्रद्धा को अलग से रहने की जरूरत क्या? ज्ञान और श्रद्धा यदि अभेद है तो फिर ज्ञान ही श्रद्धा का कार्य कर ले, श्रद्धा ज्ञान का कार्य कर ले,
मगर ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करते हैं, अपना अपना कार्य करके सब अलग अलग नहीं हो जाते, नहीं तो ज्ञान एक द्रव्य हो जाएगा, श्रद्धा एक दूसरा द्रव्य हो जाएगा, चारित्र एक तीसरा द्रव्य हो जाएगा। प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करते हुए वह द्रव्य की दृष्टि से देखने पर अभेद एक है, और ऐसी अनुभूति निर्विकल्प अनुभूति है। वह अनुभूति जिस समय प्रकट होती है उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसी समय श्रद्धा होती है, और वह श्रद्धा अंतर से प्रकट होती है, अंतर से श्रद्धा प्रकट होती है। श्रद्धा बहुत नाजुक है, ये श्रद्धा। श्रद्धा होने में लाखों करोड़ों अरबों बरस लग जाते हैं, अरबों बरस कम कहा, अनंत काल लग जाता है, लग चुका अनंत काल से। मैं चैतन्य तत्व ये श्रद्धा नहीं हुई, श्रद्धा को होने समय लगता है, मगर जिस समय सम्यक दर्शन छूटता है ऐसे ही छूट गया, हुआ अंतर मुहूर्त में छूट गया। सबसे पहले जिस जीव को अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, उन्हें सबसे पहले तो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है, और औपशमिक सम्यक दर्शन का जघन्य उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त का है। अंतर मुहूर्त में वो सम्यक दर्शन न रहेगा, अंतर मुहूर्त का ही काल है औपशमिक सम्यक दर्शन का, अंतर मुहूर्त तक वो सम्यक दर्शन रहता है। श्रद्धा होने में लंबा काल लगता है, छूटने में समय नहीं लगता। सोने के महल को बनने के लिए बरसों लग जाते हैं, गिरने के लिए समय नहीं लगता। किसी के सामने तुम जाकर के बैठो, किसी के हृदय में तुम्हें स्थान पाना हो, बहुत समय लगेगा। किसी के पास में जाकर मतलब एक ही पल में उनकी नजरों से तुम गिर जाते हो। श्रद्धा को गिरने में समय नहीं लगता, श्रद्धा को टूटने में समय नहीं लगता। श्रद्धा गई, खत्म हो गई, चकनाचूर हो गई, न बची, और होने में बहुत समय लगता था, हुआ ऐसा ही। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये श्रद्धा बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। तुम जिस तरह से बैठते हो, उठते हो एक पल में, अरे ऐसा था, मेरा भ्रम था बस, अब फिर तुम्हें अहोभाव नहीं आएगा, फिर तुम्हें महिमा भाव नहीं आएगा। आंखों पर पलकों पर बैठना और बैठ करके फिर गिर जाना, गिरने के बाद में फिर वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कहता हूं कि कभी भी गुरु की नजरों से गिरना मत, ऐसा कोई काम मत करना कि जहां तुम वहां बैठने से भी अब तुम्हें वहां पर कि अब मैं कैसा मुंह रख करके यहां पर बैठूं, क्योंकि श्रद्धा को बनने में बहुत समय लगता है। वह तो सदगुरु है कि जो तुम्हें परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे, मगर तुम्हारा अंतर तुम्हें माफ न करेगा, अंदर में कहीं ना कहीं वो अंदर में कांटा चुभेगा, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध भाव तुम्हें सतत खलेगा। इसलिए कहता हूं श्रद्धा को बनने में बहुत लंबा काल लगता है। श्रद्धा तैयार होती है, सुना, श्रद्धा तैयार हुई, बहुत श्रद्धा तैयार, इतनी श्रद्धा दृढ़ हुई, एक व्यक्ति के प्रति तुम्हारी बहुत श्रद्धा दृढ़ हुई, और एक बार ऐसा हुआ कि उसे तुमने उस आदमी को ऐसा काम करते हुए तुमने अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से उसके मुंह से ही तुमने सुन लिया कि नजर के सामने वो ऐसा बोलता है, अरे आ मानसा वो निकली, ये व्यक्ति भी ऐसा निकला, इसकी सोच इतनी घटिया, इसके विचार ऐसे, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो कोई आशा भी न की थी कि ये भी ऐसा होगा। बार 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 ये देख कर एक दो तीन चार ऐसे ये श्रद्धा तैयार होती, और श्रद्धा से यदि तुम कोई कार्य करो तो वो कार्य में तुम्हारा ध्यान फिर दूसरी ओर नहीं जाता,
पर की ओर नहीं जाएगा जब ये श्रद्धा होगी। जब ये श्रद्धा, श्रद्धा के साथ में तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी वो दृढ़ता होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में घटना हुई, मुझे स्मरण में आया अभी। वहां की यूनिवर्सिटी में कुछ श्रीलंका से कुछ बौद्ध भिक्षुकों को वहां पर बुलाया था। बौद्ध भिक्षु जो आग पर चलते हैं और उनको इतना विश्वास है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, अपने में इतने मस्त होकर के वो चलते हैं। उसका विषय कौन है मैं नहीं जानता, मगर वो चल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आग पर भी चल जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता और उनको इतने गरम गरम पता ही नहीं चला कि जमीन के नीचे, यहां पर पैर के नीचे वो कोयला था जलता हुआ जो छू रहा था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। और वहां पर 20 भिक्षुकों को बुलाया, 20 भिक्षुकों, और कहा कि चलो, एक चल गया, दूसरा चल गया, और 20 में से 19 चल चुके, एक नहीं चल सका। और जब उस भिक्षुक को पूछा कि तुम नहीं चल सके, जब ये 19 चल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं चल सके, कि सच कह दूं, सच तो यह है कि मैं यहां पर इंग्लैंड घूमने के लिए आया था, देखने के लिए आया था कि इंग्लैंड कैसा होगा। मुझे ये कोई प्रयोग में कोई रुचि नहीं थी। श्रद्धा डगमगा गई। और जब 19 को चलते हुए देखा, तब एक अंग्रेज ये देख करके कि श्रद्धा से ये हो सकता है तो मैं भी चलूं, और इतनी दृढ़ता से वो चला, ये प्रयोग असली प्रयोग हुए, और वो चल चुका, उसे पता भी नहीं चला कि नीचे कोयला जल रहा है। श्रद्धा, मगर श्रद्धा में कुछ भी मिलावट ना हो, तुम्हारी वासना होगी, श्रद्धा ऐसी है। और इसीलिए तो मुक्ति के मार्ग में ज्ञान को बाद में कहा, चारित्र को बाद में कहा, सम्यक दर्शन पहले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, श्रद्धा को पहले, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं। और जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो दी नहीं जा सकती, वो ली नहीं जा सकती, वो अंतर से प्रकट होती है। इसलिए गुरुदेव ज्ञान देते हैं, श्रद्धा नहीं। तत्व की श्रद्धा नहीं होना, श्रद्धा नहीं होना अंतर से। तुम्हें श्रद्धा है तुम्हें प्राप्ति होगी। जिस समय यह श्रद्धा हुई, श्रद्धा होने पर प्राप्ति हुई, श्रद्धा है, श्रद्धा है, श्रद्धा से प्राप्ति हुई, श्रद्धा है कि प्राप्ति हुई, बस श्रद्धा है कि प्राप्ति हुई। जब चौथा गुणस्थान प्रकट होता है उसके बाद मोक्ष क्यों होता है, मोक्ष की जरूरत क्या, मोक्ष क्यों होता है, आत्मा पा लिया, मगर आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई जब चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति हुई कि मैं मुक्त स्वरूप ही भगवान आत्मा, बंधा हुआ नहीं है, यह शुद्ध है, यह शुद्ध है, यह शुद्ध भगवान आत्मा स्वयं मोक्ष स्वरूप ही, तू छो मोक्ष स्वरूप, हूं छू मोक्ष स्वरूप, ऐसा मोक्ष स्वरूप अनुभव में आया, यह श्रद्धा हुई चौथे गुणस्थान में, मोक्ष हुआ नहीं था, यह श्रद्धा हुई। और श्रद्धा हुई कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि श्रद्धा होने पर मोक्ष अब दूर नहीं, इसलिए तो चौथा गुणस्थान आया कि मोक्ष प्राप्त होता ही होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन से अंत काल में, क्योंकि श्रद्धा हुई कि है, फिर अब यात्रा सहज होगी। परमात्मा के संबंध में तुम्हें शंका है, परमात्मा है ऐसी अभी तुम्हें शंका है, या फिर तुम्हारी जो श्रद्धा है वो किसी परमात्मा में है, फिर महावीर भगवान में तुम्हारी श्रद्धा है, महावीर भगवान, फिर सिमंदर भगवान में तुम्हारी श्रद्धा है, सिमंदर भगवान, तुम्हारी श्रद्धा भगवान में, व्यक्ति में नहीं, तुम्हारी श्रद्धा कृपालु देव में न हो, तुम्हारी श्रद्धा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी में न हो, तुम्हारी श्रद्धा गुरु तत्व में हो। इसलिए आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई, अनुभूति हुई तब ये कहा कि तत्व की श्रद्धा, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा, तत्व लिखा, तत्व सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, उसमें कहीं पर भी कांजी स्वामी लिखा, राजचंद्र लिखा, महावीर लिखा, सिमंदर लिखा नहीं, सात तत्व,
तत्व की श्रद्धा नहीं होना, वस्तु स्वरूप, तत्व माने वस्तु का जो स्वरूप है उस स्वरूप की श्रद्धा नहीं होना व्यक्ति में। क्यों? उसके पीछे गहरे कारण है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहूं। यदि ये समझ में आ जाए तो स्वरूप पर तुम्हारा जोर हो और पंचम काल में ये मुक्ति का मार्ग, ये सम्यक दर्शन से मुनि पद का ये मार्ग, मुनि अवस्था ये मिटी नहीं, ये समाप्त नहीं हुई, ये मार्ग अभी जीवंत है, आशा की किरण है, अभी आशा की किरण है, अभी मुनि होंगे, अवश्य होंगे। स्वरूप पर जोर हो, व्यक्ति पर जोर ना हो। जैसे कि मेरी श्रद्धा, मैं मानता हूं इस कारण से, श्रद्धा आपकी बीमारी दूर होने का नाम। आंख की बीमारी दूर होने का नाम, पैर की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं, पैर की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं जितनी आंख की बीमारी। इसलिए श्रद्धा की कमजोरी, इसलिए पैर की बीमारी वाले के लिए हमने कोई ऐसा महान नाम नहीं खोजा, आंख की बीमारी वाले के लिए हमने महान नाम खोजा, उसे अंधा नहीं कहा, उसे हमने सुरदास कहा, सुरदास जी कहा, प्रज्ञा चक्षु कहा। प्रज्ञा चक्षु नाम कितना बड़ा, क्योंकि जो ज्यादा दयनीय होता है उसे झटका न लगे, उसे पीड़ा न पहुंचे, उसके लिए अच्छा नाम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी दयनीय है। पैर की बीमारी वाला इतना दयनीय नहीं, आंख की बीमारी वाला ज्यादा करुणा पात्र है, इसके लिए तो उसे प्रज्ञा चक्षु कहना पड़ा। चारित्र की कमजोरी वाला इतना ज्यादा कमजोर नहीं, श्रद्धा की कमजोरी वाला अत्यंत दयनीय है, और इसलिए मिथ्या दृष्टि से यात्रा प्रारंभ होती। तुम निराश मत होना, तुम्हारा ज्ञान का दिया अभी जलने को है। गलतियां होगी तुमसे, अपराध होंगे तुमसे, मगर तुम निराश मत होना, क्योंकि दिया जब भी जलता है, दिया जलाने की कोई कोशिश करे। उजाले में आज तक किसने दिया जलाया? दिया तो अंधेरे में ही जलाया जाता है, और अंधेरे में जब दिया जलाया जाता है तो तेल ढल जाएगा, ज्यादा अंदर गया कि फिर वो बह जाएगा, बाती है वो ठीक तरह से नहीं होगी, क्योंकि अंधेरे में ही ये सब होता है। तो गलती तो होगी दिया जलाने में, माचिस जलाने में, माचिस की तिल्ली को लोगे ठीक तरह से लगी नहीं, दूसरी बात, तीसरी बात, अंधेरे में हो रहा है, और जैसे ही ज्योति जली अब कोई अपराध न होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश हो गया। अंधेरे में दिया जलाते थे, अंधेरा दूर करो प्रकाश होगा, ये मैं नहीं कहता, प्रकाश होगा फिर अंधेरा न रहेगा, अंधेरे में ही प्रयास होगा और अंधेरे में गलतियां होगी। मिथ्यात्व की भूमिका में सम्यक दर्शन के लिए प्रयास होता है, और मिथ्यात्व की भूमिका माने अंधेरा, और अंधेरे में गलतियां होती है, इसलिए मिथ्या दृष्टि को अभी कदम आगे बढ़ाएगा, गलती होगी, तेरा अपराध माफ होगा, मगर फिर कब तक इसका पुनरावर्तन? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार? 48 तिल्लियां माचिस के बॉक्स में होती है, 48 बस 48 भव मनुष्य के मिलते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार तुम्हें अवसर मिला? अब फिर अब रहो अंधेरे में, तुम सब तिल्लियों को जला चुके मगर तुम्हारा दिया न चला। एक अपराध माफ किया जा सकता है, दूसरा माफ किया जा सकता है, अनंत बार केवली भगवान के समोसरण में तुम प्यासे के प्यासे रहे, कैसे तुम्हें माफ किया जाए? इसके परिणाम में तुम फल भोगते हो, अनंत दुख को भी भोग रहे हो, या क्या कम है? हे ज्ञान दीपक, प्रारंभ में अपराध तो होंगे, तुम निराश मत होना, प्रारंभ हो, तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, अभी अंधेरा है, मगर अंधेरे में जब तुम प्रयास करो तब जोर किसी भी व्यक्ति पर न हो, व्यक्ति पर न हो। सदा याद रहे, तस्वीर व्यक्ति की होगी मगर जोर व्यक्ति पर न होगा, जोर स्वरूप पर होगा। उसका कारण क्या और वह स्वरूप क्या,
उसके बारे में मैं आप परमात्माओं से कुछ कह सकूं। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति जब होती है, बच गई आओ छे आसो। एक व्यक्ति पर आपकी श्रद्धा, एक व्यक्ति को आप बहुत मानते हो, बहुत मान कि ये सच, ये व्यक्ति जो कह रहे वो सच, ये सच एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के कारण। अब देखो मेरी बातों को तुम समझो, व्यक्ति पर तुम्हारा जोर ना हो, तत्व पर जोर, तत्व पर जोर, व्यक्ति पर जोर ना हो, तत्व पर जोर, और तत्व पर जोर होगा तो ही तुम्हारी श्रद्धा अनंत काल तक टिकेगी, वरना वह श्रद्धा श्रद्धा नहीं। क्यों? एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आत्मा, तुम मानो, और तुमने माना, क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा कि मैं आत्मा हूं और तुमने माना। क्यों? ठंड को सहन करता है, गर्मी को सहन करता है, और वह बोलता भी है कि देखो कांटे में चलता है, जंगल में उसका वास, नदी के तट पर वो बैठता है ध्यान करने के लिए, गुफा में जाता है कि पता ही नहीं कि वो सिद्धालय गया कहां, दिखाई तो देता नहीं, दिनों दिनों तक वो गुफा में बैठा रहता है। ऐसा वह व्यक्ति, ऐसा वह संत मुनि, और उनकी वाणी को सुनकर के तुम्हें ऐसा लगा, उनको जोर देकर के, व्यक्ति को जोर देकर के तुमने मान लिया सचमुच ये धर्म कितना महान, ये धर्म कितना महान। ऐसा धर्म देखो, आत्मा का मार्ग तो देखो, उनको ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, आत्मा का मार्ग देखो कैसा मार्ग। और ऐसा हुआ कि व्यक्ति के कर्म के उदय ऐसे आए, वो जो मुनि उनके उदय ऐसे आए कि वो मुनि धर्म उनको छोड़ना पड़ा, उदय ऐसे आए, पुरुषार्थ कमजोर हुआ, मुनि धर्म छोड़ना पड़ा, वह पांचवें गुणस्थान में आए, चौथे गुणस्थान में आए, और ऐसा हुआ कि उनका सम्यक दर्शन छूट गया, सम्यक दर्शन छूट गया, और वह पाप, ऐसा पाप करने लगे, और ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को आपने देखा, उस व्यक्ति को देखा, व्यक्ति को देख करके क्या हुआ, सीधा ही धर्म बरम एवं काई न हुए, बधु खोटे खोटो, आत्मा जेवु काई न हुए। आज जो ने कितनी मोटी मोटी बातों करता था, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आत्मा को तो कुछ होता नहीं है, आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, ठंडी गर्मी को सहन करने वाले ये देखो भोगों को भोगने लगे, धर्म में कुछ नहीं होता। वो जो श्रद्धा थी उसको धर्म की श्रद्धा, धर्म की श्रद्धा वो व्यक्ति के कारण थी, और व्यक्ति के कोई कर्म ऐसे उदय में आए कि उसका पतन हुआ कि तुम्हारी श्रद्धा समाप्त हो गई, मगर स्वरूप को मुख्य किया हो, क्योंकि व्यक्ति के उदय आ सकते हैं, मुनि नाम का जो व्यक्ति है वो उसका उदय आ सकता है कि वो नीचे पड़े छठे गुणस्थान में से पहले में, मगर मुनि धर्म का जो स्वरूप है वो स्वरूप के कोई उदय नहीं आते, इसे स्वरूप तो ऐसा ही रहता है वहां पर, इसलिए वो श्रद्धा नहीं दिखती, इसलिए तत्व की श्रद्धा कहा, व्यक्ति की श्रद्धा नहीं कहा, व्यक्ति की श्रद्धा नहीं। इसलिए ये वाणी को तुम सुनो, मगर वाणी बोलने वाले को जोर मत देना, एक पुकार, एक सत्य की पुकार तुम्हारे कान तक पहुंची और अनजान हो गया, अनजान हो गया, जोर तुम पर हो। जोर तुम पर, व्यक्ति पर जोर ना हो, व्यक्ति के आग्रह के कारण ही ये दुनिया सत्य को पाने से वंचित रही, व्यक्ति पर जोर ना हो। क्यों? उसका कारण, क्योंकि व्यक्ति, व्यक्ति ये
जिसमें कोई परिवर्तन, जिसके उदय आते हैं, उस पर उसका जोर है। जो अभी है और अभी नहीं, ऐसी जिनकी स्थिति है, व्यक्ति पर जोर, स्वरूप पर जोर, स्वरूप पर जोर, स्वरूप पर जोर। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। कांजी स्वामी ने कहा पुण्य धर्म है, कांजी स्वामी ने कहा पुण्य से मोक्ष होता है, कांजी स्वामी ने कहा वस्त्र पहन करके तुम दीक्षा का पालन करो मोक्ष अवश्य होता है, कांजी स्वामी ने कहा। कब कहा? कि जब संप्रदाय में थे तब कहा। वो व्यक्ति तो यही थे, व्यक्ति तो यही थे, मगर वो काल अलग था, वो समय अलग था, वो सत्य को जब समझा नहीं था तब का काल था। मगर व्यक्ति पर जोर होगा तो पूरा जीवन लेना पड़ेगा। इसलिए कोई भी किताब आई, कोई कहे कि ये कांजी स्वामी की किताब है, कांजी स्वामी की किताब महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें जो लिखा है, वो जो स्वरूप लिखा है, अनुभूति को उपलब्ध हुए ज्ञानी ने लिखा है या बिना अनुभव के पहले, वो अनुभव के पहले जो उसमें वो जो लिखा है, वो लिखा हुआ क्या है, ये महत्वपूर्ण है। किसका लिखा हुआ महत्वपूर्ण नहीं है, वो अनुभव महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति कहते ही पूरा जीवन आ जाता है, और स्वरूप कहते ही अनुभूति से जो पाया था वो स्वरूप वो उसमें आता है। ऐसा ही परम कृपालु देव का, ऐसे ही समस्त ज्ञानियों का, ज्ञानी का पूरा जीवन हमारे लिए आदर्श नहीं होता, पूरा जीवन आदर्श नहीं होता, वरना भरत चक्रवर्ती के युद्ध लड़ना भी आदर्श हो जाता। मगर उनके लिए बस वो जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया वह हमारे लिए आदर्श बना, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया वह आदर्श। पूरा व्यक्ति नहीं, क्या तुम्हें चुनना है, और उसमें भी वो व्यक्ति पर तो जोर नहीं, वो स्वरूप पर जोर। ऐसा यह स्वरूप के अंतर मुहूर्त तक आत्मस्वरूप में स्थिर रहने पर केवल ज्ञान होता है। स्वरूप तो ऐसा ही, स्वरूप ऐसा, स्वरूप पर जोर हो। ऐसा ही युद्ध करने के लिए गए, उनके अंतर में क्या था, जो नहीं रुचिकर था वो पहले कर लिया, जिसमें रुचि नहीं थी, जिसमें एकत्व नहीं था, वो काम पहले निपटा दिया। युद्ध करने का काम, स्वरूप में लीन होना ये रुचिकर है, वो तो बाद में अनंत काल तक होने वाला है, अनंत काल तक बाद में हो लेंगे, मगर अभी जो ये उदय आए हैं, ये नहीं है पसंद, उसे को पहले निपटा देते हैं। हम भी तो यही करते हैं, भोजन करने के लिए बैठते हैं, रसगुल्ला है अच्छा लगता है, और लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, और भी तो सब्जी है, मगर आप देखो थाली में जो आएगा, जो सब्जी अच्छी नहीं लगती होगी उसको पहले खा लेंगे, और अच्छी लगती उसको पड़ी रहने देंगे उसको बाद में, उसको रस ले लेकर बाद में, क्योंकि वो अंत में वो रस उसका ही बना रहे। वो लौकी फिर भूल ही जाए कि कभी लौकी बनी थी यहां पहले लौकी। सबको ऐसा होता है, मुझे तो होता है, और मैं जिनको मिला उनको भी ऐसा होता है, सबकी हालत। आत्मा तो सब समान है ना, सभी आत्मा समान है, सभी आत्मा समान है। कपड़े के नीचे तो सब नग्न ही है ना, कपड़े के नीचे तो नग्न ही है, सभी की हालत वही है कि सब्जी नहीं अच्छी लगती पहले खा लो, जो लगती है बाद में खाएंगे, पड़ी रहने दो बाद में खाएंगे। मगर भरत चक्रवर्ती की वो दशा युद्ध लड़ ली है, मगर वो दशा ही तुम्हें दिखाई देती, उसके बाद जो हुआ वो नहीं दिखाई देता। स्वरूप पर तुम्हारा जोर हो, स्वरूप पर जोर हो। श्रद्धा अंतर से प्रकट होती है, अंतर से खिलती है, गुरु की सिर्फ उपस्थिति रहती है, वो मौजूद है, सीखना ना पड़ता। बच्चा माँ के पास दूध पीता है, बच्चे को किसने सिखाया दूध कैसे पिया जाए, बच्चा पीता है दूध सीखने के लिए, स्कूल में जाए, पढ़ाई करने जाए, लिखने जाए, गुरु बोले ऐसा वो सुने, लिखे, पढ़े, तब तक तो मर ही जाए। मगर जहां एक श्रद्धा है, जहां प्यास है वहां पानी है, जहां भूख है, भूख लगी तुम्हें अन्न मिलेगा, अन्न मिलेगा,
तुम्हें अंदर से एक जिज्ञासा जगी सत्य को पाना है, तुम्हें प्राप्ति होगी होगी। श्रद्धा रखो। बहुत से साधक मुझसे कहते हैं जो मुझे पूछना था आज ही सत्संग में आपने बता दिया, जो प्रश्न था वो आ गया, वो आ गया, उसके पीछे गहरा कारण है, बहुत बड़ा रहस्य है। ये ऐसे ही नहीं आ जाता, क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंतर अंतर जाग। ऐसा है ये सुनो, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा अंतर तरसता था उसके लिए, तरसता था। ये तैयारी प्रकृति की सहज होती है, व्यवस्था प्रकृति सहज करती है। तुम अंतर, तुम प्यासे, अंदर से प्यास। प्यास का मूल्य है, पानी का मूल्य नहीं है, प्यास का मूल्य है। और प्यास तुम्हारे अंदर है, पानी तो वहां से बरसता है, बरसात बरसती है अमृत की। बस तुम, और जिस समय तुमने अंतर से मुझे पाना है, उनको नहीं, उनको नहीं पाना यहां रह करके, उनको तो सिर्फ देखता जानता हूं, वे मेरे आदर्श बन गए, मगर इतनी जागृति है कि वो कभी यहां नहीं आएंगे। गुरु सदा गुरु रहेंगे, तुम तक न पहुंचेंगे, वो फासला बना रहेगा, फासला सदा बना रहेगा। गुरु सदा गुरु रहेंगे, उनकी करुणा अत्यंत रहेगी, अत्यंत करुणा रहेगी। तुम उनके पास बैठोगे, उनकी सेवा करोगे, फिर भी तुम्हारी सेवा, तुम्हारी करुणा, वो करुणा नहीं, उनकी ही करुणा तुम पर बरसेगी। कल ही मैंने एक चित्र देखा, एक मां अस्पताल में बोतल की सुई लगी हुई है, बेटा रात को ठहरा है, और पास में ही मां का जो पलंग है, उस पलंग के पास में एक छोटा सा पलंग, वहां पर लेटा, एयर कंडीशन, इतनी ठंड है, और बेटा सो गया है, उस पलंग के ऊपर बेटा सोया है। मां ऐसी ऐसी ऐसी, एक हाथ वहां पर है और एक हाथ से वो चद्दर लेकर के बेटे को ओढ़ाने के लिए, और मां अस्पताल में, बेटा मां का ध्यान रखने गया है, बेटा मां की सेवा करने गया है, मगर बेटा को, उसको नींद आ गई, और मां कंबल लेने जा रही है, मगर कंबल तक हाथ नहीं पहुंच रहा है कि बेटे को उठा दो, बहुत ठंडा हो गया होगा। लगता है दुनिया वाले को कि बेटा मां की सेवा करता है, मगर असल में तो मां ही करुणा कर रही है उस पर। लगता होगा कि तुम गुरु पर करुणा बरसाते हो, नहीं, वहां से ही करुणा बरसती है, उनकी उनकी करुणा बरसती है। फिर भी एक फासला बना रहेगा, वो जो दूरी मुझे दिखाई देती थी कि मां तक वो बेटा पहुंच नहीं, तो एक गैप था, वो गैप वो चित्र में मैंने देखा। बस एक स्थिति ऐसी है, यही पर ही तुम्हारा चूर हो, श्रद्धा अपने पर इतनी कि मैं ज्ञान दीपक, दर्शन कर लो, पकड़ने का प्रयास न करो। चंद्रमा को देखा, ये चंद्र को देखा, राज चंद्र, चंद्रमा को देखो, देखा, दर्शन किया, वो तुम तक न आएगा, वो तुम तक न पहुंचेगा, वो वहीं पर ही है, वो अपने में ही है, अपनी मस्ती में ही मस्त है। बस तुम भी बैठ जाओ, निरखो, हाथ मत फैलाओ कि पकड़ लू, अभी चांद को पकड़ू, अभी चांद को पकड़ू। चांद को पकड़ने के लिए तुम हाथ फैलाते हो, हाथ फैलाते हो, चांद तुम्हारे हाथ में आता तो नहीं, मगर तुम भिखारी बन जाते हो।
तुम्हारे हाथ फैले हुए, भिखारी से कम नहीं, भिखारी बन गए। सिर्फ देखा, दर्शन हुआ चंद्रमा का, और अंतर का चंद्रमा जगा, अंतर का चंद जगा, अंतर का चंद जगा, चंद जगा, यहां का चंद और यहां का चंद, चंद को देख करके चंद जग गया। बस ऐसा ही आज का दिन, शरद पूर्णिमा का दिन, चांदनी पूर्णिमा की चांदनी का दिन है। शरद पूर्णिमा अर्थात चंद्रमा की पूर्णिमा, पूर्णिमा चंद्रमा की होती है, मगर आज की पूर्णिमा एक विशिष्ट पूर्णिमा मानी गई है। 16 कला से चंद्रमा ऐसा खिलता है, चंद्र की 16 कला, 16 कला ऐसे, 16 कला वाला चंद्रमा ऐसा खिलता है, ऐसा खिलता है। आज ऐसा चंद्रमा खिला, ऐसा चंद्रमा खिला, आज मैं अत्यंत आनंदित हूं, आज मैं अत्यंत आनंदित हूं, चंद्रमा खिला। हे ज्ञान दीपक, चंद्रमा खिलता हुआ तुम्हारे सामने आए। ये चंद्रमा एक खिला, ये चंद्रमा दूसरा खिला, ये भी चंद है और ये भी चंद है। राई चंद हो या फुल चंद हो, चंद तो है। 16 कला वाला चंद्रमा है, 16 कला वाला, 16 वहां, 16 यहां, 32 हो गए, और 100% परिपूर्ण शुद्धात्मा आपका। 132वां बोधामृत, आज का बोधामृत 132वां बोधामृत, 16 कला वाला चंद्रमा। फिर भी 32 से ज्यादा मूल्य तो 100 का ही है, अपने चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा से वो 32 महान नहीं है। हे ज्ञान दीपक, स्वयं की पूर्णता की जागृति बनी रहे, हाथ फैलाने वाली वृत्ति तुम्हारी मिटे और सिमट जाओ तुम श्रद्धा अंतर से। वही तो है ना, एटली बात कर रही, कही दो पची तो पची आऊ छे आ बतू है ना, यानी જાની સાથે બે જતા ને તો પણ એવું જો એસા એ સ્વરૂપે ગુરુ જ્ઞાન દે સકતા શ્રદ્ધાની શ્રદ્ધા ચાર જીવો કો આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ઉન ચાર મે અપને મા બાપ કા નામ ભી નહીં થા તુમે કભી વિચાર આતા હૈ કે મા બાપ કો ભી છોડ દિયા ઉન ચાર મે મા બાપ કો ભી ના રખા कृपालु देव ने चार जीवों को आत्मसिद्धि थी, अपने मां बाप नहीं थे उसमें, अपनी संतान नहीं थी उसमें। कुछ गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के योग में यह तुमने सुना कि मोतीचंद भाई को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उजम्बा को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, मां बाप को सुना तुमने, मगर बहन श्री बहन को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, निहालचंद जी सोगानी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। श्रद्धा दी नहीं जा सकती, श्रद्धा दी नहीं जा सकती, वो अंतर से तैयार होती है, प्रकट होती है, उसके पीछे बहुत गहरे कारण। बहुत गहरे कारण। घर वाले तो भ्रम में ही रह जाते हैं कि हमारा घर वाला है, इतना बड़ा ज्ञानी, हमारा रिश्ता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन चलता होगा, हमारा मोक्ष तो पक्का। उस भ्रम में ही रह जाते हैं, वो एक पकड़ में रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि घर वाले को आत्मा की अनुभूति नहीं होती, घर वाले मोक्ष में नहीं जाते, ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि ऋषभदेव भी मोक्ष में गए, भरत चक्रवर्ती भी गए और बाहुबली भी गए, फैमिली वाले सब गए, ये टीम की तो मैंने नाम लेकर के बता दी, इसलिए ऐसा नहीं। मगर कभी कभी ऐसा भ्रम भी हो जाता है कि घर में ही है वो, जो उनकी वाणी में, गुरुदेव की वाणी में, परम कृपालु देव की वाणी में जो स्वरूप अंतर से
निकला, उस स्वरूप का रस लेने से अज्ञानी वंचित रह गया। श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। इस श्रद्धा के संबंध में ही, श्रद्धा के बारे में एक मैंने किताब लिखी, किताब का नाम ही श्रद्धा। 64 बारह बजे, बिल्कुल 12 बजे एएम से पीएम हो गया। अभी एएम था, अब पीएम हो गया। एएम माने आत्मा, पीएम माने परमात्मा, आत्मा से परमात्मा एक समय। देखो श्रद्धा हुई कि अब आत्मा परमात्मा अभी है। हाँ, ये जब किताब लिखी गई थी श्रद्धा, श्रद्धा 10 दिन तक भोजन नहीं हुआ था। मैं जब उस समय सोलोमन आइलैंड और वानुआतु, टुवालु और ओशियानिया के देशों में था, सामोआ, फिजी, उन सब देशों में मैं था। 6ठे दिन जब मेरी जीभ चिपक गई थी, मैं लाइब्रेरी में बोल रहा था सामोआ की, तब उसने कहा पानी पी लो। तब पानी तो पी लिया, मगर पता चला 6 दिन बाद आज पानी पिया, क्योंकि जीभ चिपक गई। उनको समझा रहा था आत्मसिद्धि शास्त्र पर। ऐसा होता है कभी कभी, याद नहीं रहता। श्रद्धा नाम की किताब लिखी, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। ज्ञान दीपक श्रद्धा 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 की घंटी बजी, बस वो पुकार तुम्हें सुनाई दी। श्रद्धा 64 पन्ने की किताब उस समय 1 जनवरी को लिखना प्रारंभ हुआ था, 10 जनवरी को समापन हुआ था। पिछले साल 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में 10 दिनों में गजपंथा में शिविर भी हुई, श्रद्धा श्रद्धा शिविर, श्रद्धा। एक बार श्रद्धा हुई, स्वरूप ऐसा ही। अंतर से यदि हुई हो, अनुभव से यदि हुई, श्रद्धा में कहीं ना कहीं अंदर होगा। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई, मुंबई की यह घटना। मैं चर्च गेट पर किसी को पढ़ाने जाता था। जब मैं पढ़ाता था और कुछ दिन तक तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि उनके घर के दरवाजे के ऊपर उन्होंने गणेश की एक मूर्ति रखी है। और थोड़े दिन तक वो स्वाध्याय करते रहे, पढ़ते रहे और वाह वाह करते रहे, बहुत अच्छा, बिल्कुल सच्चा, आनंद आया। मगर जब मेरा ध्यान गया, द्रव्य की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा हो रही थी, कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, कोई किसी का भला या बुरा नहीं कर सकता, यदि कोई करने जाए तो अपने कर्म का क्या, वो सब समझाए। उनको जिज्ञासा जगी कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, करना ही है। तो मैंने उनको पहले कहा यदि करना है तो फिर ये क्यों, ये आपका कुछ भी भला करने नहीं आएंगे, ये क्यों, और क्या तुम्हें उनके जैसा होना है, वो तुम्हारा भला करने नहीं आएंगे, विसर्जन कर दो। और समंदर के पास में ही उनका घर था, 2 कदम आगे बढ़े कि समंदर, विसर्जन कर दो, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आज ही विसर्जन कर दो। और अगले दिन मैं गया तो मूर्ति वहां नहीं थी,
जिनको छूता है कि बस अब मूर्ति नहीं थी। एक सप्ताह हो गया, दो सप्ताह हो गए, दो सप्ताह के बाद में मैंने कसौटी की उनकी। मैं हमेशा कसौटी करता हूँ, ये मेरा स्वभाव कसौटी करने का, और कसौटी में ही ज्यादातर तो फेल हो जाते, वरना तो यहां हजारों बैठते। मैं कसौटी करता और तब मैंने कहा, अरे बहन जी, भाई साहब, आप कितने कमजोर हो, मेरी मजाक को भी नहीं समझा। जो मैंने आपको बताया कि गणेश कुछ भी नहीं करते, मगर छोटे छोटे प्रसंग बने जीवन में तो कुछ भी नहीं करते, कभी बड़ी विपत्ति आए तब तो करते हैं, तब तो वे ही आते हैं। दोनों खड़े हुए, अच्छा, तुरंत ही अंदर से कबाट खोला और निकाली मूर्ति। देखो हमने कबाट के अंदर रखी थी, कभी ना कभी काम में आएगी। श्रद्धा थी उनको, छुट्टी नहीं थी, कहीं ना कहीं कोने में पड़ी रहेगी मूर्ति। श्रद्धा है, दरवाजे से तो हट गई। तब कहा, बड़ा प्रसंग आएगा तो भी कुछ भी नहीं करे, तो भी कुछ भी, तुम्हारे हृदय के कोने में भी कहीं ना कहीं, कोने में कहीं ना कहीं वो पड़ा है कि मैं देह, मैं राग का विकल्प। संसार में मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, मगर कृपालु देव तो मेरे हैं। फिर बात तो वही रही, पराये में अपनापन की बात तो वही रही। ये बात तो ऐसी ही हुई जैसे कोई व्यक्ति, मुझे घटना विस्मरण में आई, एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में जाकर के वेटर को कहा, तो वेटर जो नाम देते, वेटर का नाम बिल्कुल झूठा होता है हमेशा, मैं कहता वेटर, वेटर वो नहीं होता, वेटर तो हम होते हैं जो भोजन करने जाते हैं, क्योंकि वेट तो हम करते हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उसका इंतजार हम करते, वो हमारा इंतजार नहीं करता, हम तो बैठे हैं वहां पर, तो असली वेटर हम है, मगर मैं उसका वेट कर रहा था। कहता हूं कि वो वेटर, वेटर तो मैं, वेटर मैं। वो आदमी पहुंच गया, ऑर्डर दिया, वेटर खाना लेकर क्या है, पूछता है, भाई खाना ठीक तो बना है ना? वेटर बोला, अरे आप क्या बात करते हो, खाने की बिल्कुल आपके घर जैसा ही खाना बना है। अरे घर जैसा बना है? अरे घर का खाना छुड़ाने के लिए तो यहां आया, मेरी बीवी खाना जो बनाती है ऐसा खाना बनाती है, उससे बचने के लिए तो यहां आया, और तू भी यहां कहता है कि घर जैसा ही बना है, तो मैं यहां आया क्यों? एक जगह से निकला कि दूसरी जगह फंसा। ऐसा ही, पुत्र को तो छोड़ दिया, पत्नी को तो छोड़ दिया, सबको छोड़कर के, मुंबई छोड़कर के, दिल्ली छोड़कर के, छत्तीसगढ़ छोड़कर, सबको छोड़कर आ गए, बस गुरुदेव आपको ही पकड़ा है अब, नहीं तुम कहीं ना कहीं गलत जगह पर अभी पड़े हो, कहीं ना कहीं गलत जगह पर हो। मैं सत्य कहूंगा, कहीं ना कहीं गलत पर ही हो, सत्य कहूंगा। अपने स्वरूप के अतिरिक्त अपनापन करने योग्य कुछ भी नहीं, एकत्व करने योग्य कुछ भी नहीं, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें अवश्य प्रकट होगी। हे ज्ञान दीपक, श्रद्धा अंतर से प्रकट होगी। गुरुदेव ज्ञान देते हैं, श्रद्धा नहीं, तत्व की श्रद्धा नहीं होगी। आप समस्त परमात्मा ने अत्यंत विनयवान होकर ध्यान पूर्वक मुझे सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूँ, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।